जय श्री कृष्णा। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम मेघ है और मैं शृंगार ज्वेलर्स का मार्केटिंग हेड हूँ। शृंगार ज्वेलर्स यानी ठाकुर जी के पुष्टिमार्ग ये शृंगार बनाने वाला एकमात्र रिटेल स्टोर। यहाँ पे हम गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही ठाकुर जी के शृंगार बनाते हैं। शीशफुल एक ऐसा आभूषण है जो नित्य धराया जाता है, यानी कि वो तकरीबन हर रोज ठाकुर जी को धराया जाता है। मगर शीशफुल को पहचाने कैसे, शीशफुल कब धराए कब नहीं धराए, और शीशफुल और शीशफुल कतरा क्या ये दोनों अलग है या एक है? अगर ये सारे सवाल आपके मन में आते हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम शीशफुल का भाव क्या है। तो शीशफुल यानी श्री स्वामिनी जी का श्रृंगार है, मगर महाप्रभु जी ने श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी को एक बताया है, और इसलिए श्री ठाकुर जी भी श्री स्वामिनी जी के सारे श्रृंगार को अंगीकार करते हैं और शीशफुल भी उनमें से एक है। श्री स्वामिनी जी शीशफुल को सूर्य के भाव से अंगीकार करती है और श्री ठाकुर जी स्वामिनी जी के भाव से शीशफुल को अंगीकार करते हैं। अब दूसरी बात यह कि शीशफुल को पहचाने कैसे। तो शीशफुल हमेशा लेफ्ट साइड यानी कि वाम पक्ष में झुका हुआ होता है। एक और बात यह है कि शीशफुल को कब धराया जाए। तो शीशफुल जब भी आप मुकुट, सेहरा, टिपारा, सिरपेच, कुले ये सारे आभूषण धरते हैं तब शीशफुल अवश्य धराया जाता है। शीशफुल कब नहीं धराया जाए, शीशफुल कभी कभी किरीट मुगट के साथ नहीं धराया जाता, क्योंकि किरीट मुगट एक ऐसा आभूषण है जो संपूर्ण श्री मस्तक को कवर कर लेते। शीशफुल को शीशफुल कतरा भी कहते हैं। तो क्या शीशफुल और शीशफुल कतरा अलग है? नहीं, एक्चुअली शीशफुल यानी दो पार्ट से बना हुआ होता है। एक होता है नीचे का बेस जिसको हम शीशफुल कहते हैं, जो फुल बिकॉज वो फुल के शेप का है, और दूसरी बात है कि वो उसके ऊपर जो कलगी होती है उसको हम कतरा कहते हैं, यानी शीशफुल कतरा यानी कतरा प्लस शीशफुल। कई बार ऐसा होता है कि हम शीशफुल में सिर्फ नीचे का फूल धरते हैं, ऊपर की कलगी नहीं धरते, इसलिए शीशफुल और शीशफुल कतरा का ये भेद है। अब बात करते हैं कतरा की। तो कतरा क्या होता है? तो कतरा एक ऐसा आभूषण है जिसके नीचे कोई बेस नहीं होता और वो दोनों तरफ झुका हुआ हो सकता है, यानी कि लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। एक और बात याद रखें, पुष्टि मार्ग में लेफ्ट साइड को हमेशा वाम भाग कहते हैं और राइट साइड को दक्षिणी भाग। लेफ्ट साइड का जो कतरा होता है वो श्री स्वामिनी जी के भाव से धराया जाता है और राइट साइड का कतरा है वो श्री चंद्रावली जी के भाव से धराया जाता है। कतरा के चार प्रकार है। एक तो नॉर्मल कतरा, दूसरा नागफेणी कतरा, तीसरा दुहेरा कतरा और चौथा सूर्यमुखी कतरा। कौन सा कतरा कब धराया जाए ये तो आपकी जो भी सेवा प्रणाली का की पुस्तक है उसमें लिखा होगा, पर वाम भाग का कतरा नित्य में धराया जा सकता है पर दक्षिणी कतरा नहीं। दोनों कतरा तब धराया जाता है जब आप श्री मस्तक पे टिपारा या दुमाला धरते हो। तो ये थी शीशफुल की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे फॉलो नहीं करते हो तो अभी जाके कीजिए। हमारा आईडी है @pushtishangar, और कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते कि अगला वीडियो हम किस पे बनाएं, और अगर हमारी कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि कौन सी गलती कहाँ हुई और इसको कैसे करेक्ट किया जाए। अगली बार मिलेंगे, और तब तक शृंगार ज्वेलर्स की तरफ से आप सबको जय श्री कृष्णा।